بسم الله الرحمن الرحيم गाइस सहरी का टाइम है और देखने जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं कुछ सहरी के लिए। अभी तक बिल्कुल रोडों पे सन्नाटा है, बाजार में जाते हैं देखते हैं कि क्या कुछ है खाने के लिए। गाइस फाइनली हमें चने मिले हैं, तकरीबन काफ़ी चीज़ें सेल हो चुकी हैं, बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं यहाँ पे चीज़ें। चने मिले हैं, अब अच्छे शौक से सैरी कर लेते हैं चनों से, तो अब वही लेकर जा रहा हूँ। सुबह सुबह बढ़ रहे हैं। हमारे घर की तरफ फुल टाइम सन्नाटा, सड़क पे कोई नजर नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा। किसी दौर में बहुत रोशनी हुआ करती थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट बचत कर रही है, इस वजह से लाइटें कम से कम जलाई जाती हैं। وبصوم غد نويت من شهر رمضان। तो गाइस सहरी हमने कर ली है, अजानें हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, पढ़ते हैं नमाज। तो आज शाम को इंशाल्लाह अफ्तारी मैं बनाऊंगा, बच्चों ने कहा है कि आज अफ्तारी आपने बनानी है, तो मिलते हैं शाम को और देखते हैं अफ्तारी में क्या कुछ बन रहा है। तो इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी, नमाज़ पढ़ के कुछ देर मैं सोऊंगा, उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगा और फिर मैं अपने काम पे। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज़। ए फ्यू मिनट्स लेटर गाइस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, लिहाजा के लिए कुछ चीज़ें बनाने लगे हैं। तो पहले हम बनाएंगे पकोड़े, तो उसके लिए पकोड़े के लिए अब हम काटने लगे हैं सामान। पहले हम काटेंगे प्याज, हरी भरी करके प्याज काटेंगे पकोड़ों के लिए। इसमें डाल दो, अब आलू काट लेते हैं। आलू बारीक बारीक कटेंगे, अच्छे तरीके से पकौड़े बनेंगे। अब पालक काट लेते हैं, प्याजों को भी इनमें डाल देते हैं। थोड़े से आलू बच गए हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। दो आलू और निकल आए,
थोड़ी सी सब्ज मिर्ची काट लेते हैं। इतनी काफी है सब्ज मिर्ची है? सबको हम धो लेते हैं अच्छे तरीके से। वैसे तो धुले ही होते हैं, पानी नहीं आ रहा। पानी कितना ही है? बेसन डाल देते हैं इसमें, बेसन डाल देते हैं काफी, और थोड़ा सा और डाल देते हैं, एक चम्मच और भर के डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, लाल मिर्च, दो चम्मच, एक और चम्मच, थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे। नमक हसबे जायका, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल दे, कम लग रहा है मुझे। है क्या, थोड़ी इमली का पानी डाल देते हैं इसमें, दो तीन कतरे। हाँ से मिक्स कर, गैस इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ऐसे ही, पानी इसमें नहीं डालते, पानी खुद निकल आएगा इसका। रख दिया है पकौड़ों के लिए, अब हम दही भल्ले बनाने लगे हैं। बॉयल आलू हैं। इतना काफी था, इसको समझ आ जाएगी। आलू हमने पहले से बॉयल करके रख लिए थे अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि तारी में टाइम बहुत कम होता है और चीजें ज्यादा बनानी होती है। दही भल्लों के लिए फुल्कियां बनाई हुई हैं हमने पहले से। प्याज काट के डालेंगे, कैसी काम हो रहा, जल्दी अर्जेंट। गाइस प्याज काट लेते हैं दही भल्लों के लिए, बारीक बारीक। ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं, धो लेते हैं पहले, मिक्स करने से पहले।
ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। वेज घी गरम हो रहा है, पहले हम बनाएंगे आयरा के लिए चिप्स, क्योंकि आयरा को पसंद है चिप्स। पहले एक चिप्स डाल के चेक कर लेते हैं कि घी गरम हुआ है कि नहीं। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी देर है। तो गाइस पहले हम बनाएंगे चिप्स आयरा के लिए। आयरा को पसंद है चिप्स और मुझे भी, और ये मैं और आयरा खाएंगे दोनों। चिप्स बन रही है, उतनी देर में आप एक सूरत सुन लें ताकि आपको उसका स्वाद मिले रोजे की हालत में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب بك وانحر، إن شانيك هو الأبتر. बहुत धुंधला आ रहा है। आपने पूछा, आपने सुना। एक्सपर्ट ऑप्शन पर अब $10 का न्यूनतम। चिप्स तैयार हो गई, अब हम बनाएंगे पकोड़े। रोग मिट्टी की तरफ छोटे अपने साइज का बना रहे हैं। वीडियो रोक के बोलो। काफी की दरी मैं पे ऊई लगी है। क्या चल गाइस, शाम को पसंद है समोसे, तो उसके बाद पकोड़ों के बाद हम समोसे बनाएंगे। तो अभी पकोड़े बन रहे हैं, तो इनके बाद समोसों की बारी आएगी। तो समोसे बनाएंगे अब हम पकोड़ों के साथ खाने के लिए। ये रायता तैयार है। पकोड़े अभी तैयार हो रहे हैं, अभी देर है पकोड़ों को। तो गाइस पकौड़े हो गए हैं तैयार, अब हम निकाल रहे हैं पकौड़े। पकौड़े तैयार हो गए हैं तकरीबन। अब समोसा डालूंगा। अब समोसा बना लेते हैं। आगे थोड़ी हल्की कर दीजिए। Thank you.
समोसे स्वामी के लिए समोसे बन रहे हैं, आपके लिए चिप्स बन गए, ये बहना को पकौड़े पसंद है, सबके तो नखरे हैं अलग अलग। क्या हुआ, क्या मतलब, टाइम होता है इतना इतनी चीजें बनाने का? तो गाइस अफ्तारी का सामान तैयार हो चुका है और रोज़ा भी खुलने वाला है। रोज़ा खुलने में 1 से 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, रोज़ा खुलने वाला है। आ जाओ, अजान हो गई। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. آرام سے آرام سے آرام سے.